आज हम मटर छीमी और आलू की सब्जी बनाएंगे। तो टेस्टी टेस्टी सब्जी के लिए हो जाए तैयार। पहले कुकर को गर्म कर ले और तेल, लाल मिर्च, तेजपत्ते, जीरे को तेल में डाल दे। फिर कटे हुए जितनी आलू थी, जो काटे हुए थे, वो सब डाल कर उसे अच्छे से मिला ले। वो मिल गई है और उसके बाद उसमें मैं वो देखिए रेड एकदम अच्छे से हो गई है। थोड़ी देर बाद मैं उसे तक पकने दी थी। अब मैं इसमें लहसुन, खड़े लहसुन छील कर, गोल मिर्च, कद्दूकस, प्याज और धनिया, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे डालकर अच्छे से मिला दे रही हूँ। ये देखिए, ये सब्जी को अच्छे से मिला देना है और थोड़ी देर पकने देना है। तो ये थोड़ी देर पक गई है और इसमें मैं अब लौंग डाल रही हूँ। लौंग डालकर उसे अच्छे से पकने देना है, मिला दे रही हूँ और पकने दी हूँ। अब देखिए, अब ये थोड़ी सी रेड हो गई। अब इसमें मैं मटर डाल रही हूँ। मैं मटर डाल दी हूँ, सारे मटर डाल दी हूँ और अब मैं इसमें छीमी डाल रही हूँ। छीमी, मटर सब डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर और इसमें जितने मसाले होते हैं सारे मसाले डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया और मिर्चा। मिर्चा ये नॉर्मल मसाले हर किसी के घर में रहते हैं। और मैं अब मसाले को मिलाने के लिए थोड़ी सी पानी इसमें डाल दे रही हूँ और ये मसाले को अच्छे से मिलाकर मसाला पक जाने का इंतज़ार करें। तो हमारा मसाला दम एकदम अच्छे से पककर हो गया है तैयार। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। जितनी ग्रेवी आपको बनानी है उतनी आप ग्रेवी बना सकते हो। तो इसमें पानी डालकर अब इसे अच्छे से मिलाकर, ये देखिए मैं सब्जी अच्छे से मिला दी हूँ और अब इसे एकदम हाई फ्लेम पर कुकर को बंद कर कर सीटी लगा रही हूँ। 3 सीटी लगभग इसे बनाने के वक्त लगाना पड़ेगा, तभी मटर एकदम अच्छे से सीज जाएगा। और आलू भी, कटे हुए आलू मैं चरकुट ली थी। देखिए हमारे पहला सीटी हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा सीटी मेरा रेडी हो चुका है। तो अब इसे ठंडी होने की बारी, ठंडी हो चुकी है और ये देखिए हमारी सब्जी एकदम लाजवाब सब्जी बन के हो गई एकदम तैयार। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और ये देखिए मैं सब्जी को अब सर्व कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें। इतने मेरे कुकर में रंग पूरी कितनी अच्छी आए हैं। तो हमारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जी बनके हो गए तैयार। इसे चावल, पूरी, रोटी, पराठे, जिसकी इज्जत खाए, लगेंगे एकदम मज़ेदार सब्जी। वीडियो अच्छा लगने लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और नमस्ते।